है फ्रेंड्स, मैं हूं भूषण। और क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने यह प्रूव किया है कि अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को एग्जांपल देके एक्सप्लेन करते हो तो वो ज़्यादा इजीली, सिस्टमैटिकली और वेल असेंबल तरीके से डिलीवर होता है। और इसीलिए कुछ प्रोफेसर्स अपने कॉन्सेप्ट को बैकअप देने के लिए एक एग्जाम्पल हमेशा रखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टोरी बताऊंगा और हो सकता है जिसके थ्रू आप उस झूठ को देख सकोगे जिसे आप कई सालों से सच मानते आ रहे हो। इनफैक्ट आप अपने आंखें खोल के इस ब्रह्मांड की सच्चाई को भी जान सकोगे। तो ये स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जो कि वेल एजुकेटेड है और वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है जहां उसे उसका फ़ोन नंबर मांगा जाता है और वो नहीं दे पाता क्योंकि उसके पास फ़ोन नंबर होता ही नहीं है और इसीलिए उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। जब वो इंटरव्यू दे के बाहर आता है तो वो एक डजन एप्पल्स खरीदता है जिसमें से दो एप्पल्स वो खुद खा लेता है और बाकी बचे हुए एप्पल्स बेच देता है। फिर 15 एप्पल्स खरीदता है और बेच देता है और ऐसे करते करते वो अपने लोकेलिटी में सबसे फेमस और ईमानदार फ्रूट सेलर बन जाता है। और समय के साथ उसके फ्रूट्स की डिमांड बढ़ जाती है और वो फॉरेन कंट्रीज में भी अपने फ्रूट्स एक्सपोर्ट करने लग जाता है। फिर काफ़ी सालों बाद उसे एक बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो उसे प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल नंबर की डिमांड करते हैं, लेकिन इसके पास मोबाइल नंबर नहीं होता है। जो सुन के कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है फिर भी आपने इतना कुछ किया, अगर मोबाइल होता तो आप और बहुत कुछ करते। लेकिन दोस्तों फैक्ट तो ये है कि अगर उस व्यक्ति के पास मोबाइल होता तो उसे वो जॉब मिल जाती और वो कभी वो सब कुछ अचीव ही नहीं कर पाता जो उसने किया है। तो आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? वेल, मेरे ओपिनियन में हमें ये पता चलता है कि एजुकेशन और नॉलेज में बहुत फ़र्क है। एजुकेशन यानी वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, और ज़्यादातर लोग इसी एजुकेशन को नॉलेज समझ लेते हैं जबकि सच्चाई इससे काफ़ी अलग है। वास्तव में अगर देखा जाए तो एजुकेशन या नॉलेज के समुंदर में बस एक बूंद है और ये एजुकेशन स्कूल्स और कॉलेजेस के बाद ख़त्म हो जाती है, जबकि नॉलेज इसकी कोई सीमा नहीं है और यह इतना है हमारे ब्रह्मांड में कि इसे पूरा जानने में आपकी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएंगी। और अगर उस व्यक्ति की बात करी जाए तो उसने जो बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था वो भी उसने नॉलेज के बेसिस पर ही किया था, ना कि एजुकेशन के बेस पर। इनफैक्ट एजुकेशन के बेस पर तो वो सिर्फ जॉब ही कर पाता। वेल, यहाँ मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ। इनफैक्ट एजुकेशन और नॉलेज दोनों दिखने में सेम है लेकिन अलग अलग है और दोनों ही अपने अपनी जगह एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें नॉलेज चाहिए। अगर आप जानते हैं कि नासा ये एक अमेरिकन स्पेस लैब है तो यह आपकी एजुकेशन है, लेकिन अगर आपको पता है कि नासा के लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में क्या है जैसे पार्कर प्रोब स्पेस, तो ये आपकी नॉलेज है। नॉलेज हमेशा एजुकेशन से सुपीरियर होती है और इसीलिए नॉलेज को पावर भी कहते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस किया उस स्टोरी में वो ये है कि उस व्यक्ति ने कभी हार नहीं मानी और अपने लिमिट्स को एक्सपांड किया सही डायरेक्शन में। अपने स्किल्स और नॉलेज का सही तरीके से और सही जगह पर यूज़ करके उसने सोसाइटी में बदलाव लाए। वेल, अब ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है, राइट? हम कुछ भी करने से पहले ये ज़रूर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अगर सही में आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम हर जगह फूंक फूंक के अपने कदम रखते हैं, सोचते हैं कि हर छोटी क्रिया की एक बड़ी सी प्रतिक्रिया होगी। आज हम जो भी करेंगे उससे पूरी दुनिया और स्पेस टाइम को भारी फर्क पड़ेगा। हर एक कदम बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। हमें जो पसंद है अगर वो सोसाइटी के सिस्टम्स का बाहर का कुछ है तो लोग क्या कहेंगे? हम कभी कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम फेल हो गए तो हम हमेशा के लिए टूट जाएंगे, राइट? एक छोटे से फेलियर के बारे में ही सोच लीजिए, क्या ये हमेशा के लिए है? नहीं, यूनिवर्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो ये पल भर का फेलियर परमानेंट कैसे हो सकता है? आप किस बात से डर रहे हो? आपके पास सिर्फ एक नैनो सेकंड है ब्रह्मांड की घड़ी में वो करने के लिए जो भी आपको करना है। और अगर आपको पता हो कि कितने छोटे हैं हम और कितना कम समय है हमारे पास और हम इस समय में क्या क्या कर सकते हैं, तो आप दिन के 4 घंटे टीवी देखने में बर्बाद नहीं करते। आप वो जॉब या वो काम नहीं करते जो आपको पसंद नहीं है। आप वो थोड़ा सा समय जो आपके पास है वो हेटर से बहस करके और अपने आप पर अफसोस करके नहीं बिताते। अगर आपने इससे पहले कोई गलत काम किया भी है या फिर किसी भी बात का पछतावा है जो आपको पीछे रख रहा है, तो ये बात जान लीजिए कि आपने जो भी किया है वो मैटर नहीं करता। आप जो कर रहे हो सिर्फ वो मैटर करता है। हम हमारे एक्शन से ही डिफाइन होते हैं। तो यह आपके लिए क्या महत्व रखता है? वेल,
ये बताता है कि जो थोड़ा सा समय आपके पास है उसमें आप जो चाहो वो कर सकते हो। इसका मतलब जबकि ब्रह्मांड जो आपको चाहिए वो आपको देने की परवाह नहीं करता है, वही ब्रह्मांड आपको जो चाहिए वो आपको खुद देने से रोकने की भी परवाह नहीं करता है। आप जो करते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको ज़िंदगी में बेहतर बनना है तो बस बेहतर काम कीजिए। अगर आपको एक लीडर बनना है तो थोड़ा रीडिंग कीजिए। अगर आपको एक एक्सपर्ट बनना है तो वो कीजिए जो एक एक्सपर्ट करता है। बस कीजिए, क्योंकि एक्शंस में ही जादू होता है। कुछ बड़ा कीजिए, एक बुक लिखिए, वो कॉल कीजिए, वो बिजनेस खड़ा कीजिए, अपने दिल की बात कह दीजिए, वो ईमेल भेज दीजिए। और अगर आप फेल हो गए तो क्या बड़ी बात, आप एक बुक लिख सकते हो और उसे कोई रीड नहीं करेगा। आप कुछ बना सकते हो और उसे कोई देखने नहीं आएगा। आप फेल हो सकते हो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो। आप वो चांस ले सकते हो और सबके सामने एक बेवकूफ़ दिख सकते हो, पर उससे क्या हो जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि हम ब्रह्मांड में रजिस्टर भी नहीं होते। अगर आपकी ज़िंदगी को आपके लिए कुछ मायने रखना है तो वो सिर्फ आपके ऊपर है। आपको जो चाहिए वो मिलने का इंतज़ार करना बंद कीजिए। यह ब्रह्मांड कुछ ज़्यादा ही व्यस्त है। इसके पास बनाने के लिए दुनिया और बर्बाद करने के लिए गैलेक्सीज है। अपने लिमिट्स को हमेशा एक्सपांड करते रहिए। एक ऐसे महान शख्सियत जो ना तो चल सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था, लेकिन अपने दिमाग के कैपेसिटीज को एक्सपांड करके उसने इस ब्रह्मांड के बारे में वो रहस्य बताए जो विज्ञान के समझ के बाहर थे। लिमिट्स को एक्सपांड करना ही इस ब्रह्मांड का नियम है। इनफैक्ट इस यूनिवर्स के लिए कोई बाउंड्री ही नहीं है, तो आप क्यों एक बाउंड्री में ही सीमित रह जाते हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ अब है, ये समय। अगर आपके पास शक्ति है तो वो अब है। अगर आपको अगला बड़ा काम करना है तो वो आप कर सकते हो, चॉइस आपकी है। बस अपने लिमिट्स को पुश कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा? क्या आप इसमें बताई हुई बातों से एग्री करते हो, या फिर आपके पास कोई और ओपिनियन है तो कमेंट ज़रूर करना, हम आपके ओपिनियन जानना चाहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और ऐसे साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।